एटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम एटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ ताजा सुर्खियों पर। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा सदस्य अभियान का आगाज। सीतापुर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हैदर अब्बास चांद के निर्देश अनुसार आज लहरपुर में सदस्य अभियान का आयोजन। अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपेन जैन बाबा व अल्पसंख्यक मोर्चा के अवध क्षेत्र मंत्री सलमान चेदी के द्वारा HMH इंटर कॉलेज में किया गया। इस बार भाजपा ने जिले में 1100 सदस्य बनाने का लक्ष्य हर एक जिला अध्यक्ष को दिया है। हालांकि जिला अध्यक्ष भूपेन जैन ने करीबन 7000 से 8000 सदस्य बनाने की बात कही। जल्द ही लक्ष्य को पूरा कर जिला कंप्लीट करने को कहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष हैदर अब्बास चांद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ साथ वंदे मातरम और भारत माता का जयकारा हमारी पहचान है। उन्होंने कहा कि वंशवाद, जातिवाद और पुष्टिकरण के देश को बचाने के लिए हम भी सबको मिलकर काम करना होगा। ये 11 अगस्त तक चलेगा, 11 अगस्त के बाद 12, 13, 14 ये 3 दिन कैंप लगा के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कराई जाएगी। और आप देख रहे हैं ये सदस्यता अभियान किस तरीके से प्रगति पर है और ये बूथ पर अभी सदस्यता चल रहा है। इसको 3 ग्रेड में रखा गया, ABC। इस वक्त सी ग्रेड में सबसे खराब एक तरीके से कह रही है, जिसमें अल्पसंख्यक यादव बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हो रही है और इसमें हम लोग करीब करीब 50% से ज़्यादा पार कर चुके हैं। ये 11 अगस्त तक चलेगा। जहाँ पे बात आती है ग्रामीण क्षेत्रों की, कि जहाँ पे मतलब रोड और पानी की सुविधाएं अच्छी हैं, बिजली की सुविधाएं हैं, वहाँ पे कुछ गांव अभी भी ऐसे आ रहे हैं जिसमें अभी तक वो सुविधाएं नहीं पहुँच पाई। जी, ये आपकी बात मैं मान सकता हूँ, लेकिन वो भी सुविधाएं पहुँचाई जाएगी, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई जी की सोच है कि हर गाँव में बिजली हो और हर सड़क बने। तो अगर से ये भी हम लोग के सामने आएगी, जो भी समस्या होगी उसका भी समाधान हम लोग करेंगे और निश्चित तौर से हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे, हर रोड को हर रोड से जोड़ेंगे। माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और उन्हीं के आदेशानुसार जो है मुख्यमंत्री जी का एक आदेश हुआ था कि ये सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, अभी भी बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जिसकी वजह से तकलीफें हो रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे थे किस तरीके से पिछली सरकार में लूटा खसोटी डकैती चरम सीमा पे थी और रोड एक भी रोड चलने लायक नहीं थी। आप चले जाइए बड़े शहर में चाहे छोटे शहर में, हर तरफ रोड का काम चल रहा है। बड़ी रोड आप देख लीजिए, हमारे वहाँ बनारस में भी बहुत बड़ा एक रोड जो आज तक सफाई गवर्नमेंट में, वहाँ पे पुल समझ लीजिए कि 15 साल से वो पुल कंप्लीट नहीं हुआ था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साल भर के अंदर वो पुल जो है जोड़ा गया। तो इतना बड़ा प्रदेश है, थोड़ा टाइम लगेगा भाइयों, और आप ये जानते भी हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कहां कहां कोने कोने में सड़क का जाल है। इसके बारे में धीरे धीरे इसके बारे में सरकार करेगी। आज का मुख्य उद्देश्य क्या देखे जा रहे हैं जनता को? मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जुड़िए, ऑनलाइन सदस्यता करिए और जो भी गलतफहमियां आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उस नीति को पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है। दूसरी पार्टियां जो भी मुस्लिम समाज को गलतफहमियां बरगराना और वोट बैंक का इस्तेमाल करना, मैंने अभी मंच से भी ये बोला कि आप सभी लोग जो अल्पसंख्यक मोर्चे क्या करता है वो जाएँ गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ में, जगह जगह पर बताएँ कि भारतीय जनता पार्टी का क्या उद्देश्य है और भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है। अल्पसंख्यक समाज कितना % आपसे जुड़ चुका है? इस वक्त तो पिछली बार अभी मेरे साथ 2.5। सीतापुर से मोहम्मद असलम सर की।